जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा, जीवन में एक सितारा था, मानो वो टूट गया सो टूट गया। गाइस ये रील आपने इंस्टाग्राम पर देखा होगा, बहुत ज़्यादा वायरल है। और इस तरह का टेक्स्ट वाला रील अगर आप भी बनाना चाहते हैं अपनी फ़ोटो यूज़ करके, तो कैसे बनाएंगे आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो गाइस वीडियो में अंत तक बने रहें, चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गैस ये वीडियो बनाएंगे हम VN एप्लीकेशन में, इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाता है गैस, आप इंस्टॉल कर लें। वैसे आप किसी भी एडिटर की मदद से बना सकते हैं। यहाँ पर सिंपल आपको अपना एक फ़ोटो लेना है एंड फ़ोटो इंपोर्ट करने के लिए आपको नीचे प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है एंड यहाँ सीजर आइकॉन पे यानी कि न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड अपना एक अच्छा सा फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर गैस ये फ़ोटो मैं ले लेती हूँ एंड नीचे राइट हैंड कॉर्नर से फॉरवर्ड आपको कर लेना है। आ जाते हैं इस तरह से अपने एडिटर के अंदर, यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट क्लिप आपको डिलीट कर लेना है एंड पार्ट एंड ऊपर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके 9:16 के रेशियो सेलेक्ट कर लेनी है। अब गाइस यहाँ पर म्यूज़िक ऐड कर लेते हैं, यानी कि जो भी शायरी टाइप है वो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे गाइस, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं उसका रील दूँगी, फुल रील, आपको उसको सेव कर लेना है अपने फ़ोन गैलरी में। मेरे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक ओपन करेंगे तो डायरेक्टली उस रील पर पहुंच जाएंगे, उस रील को आप सेव टू गैलरी कर लें। देन गाइस आपकी फ़ोन गैलरी में जब सेव हो जाता है देन आपको यहाँ से ऊपर म्यूज़िक प्लस का आइकॉन मिलेगा जहाँ पर टैप टू ऐड म्यूज़िक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। नाउ गाइस म्यूज़िक के ऊपर आएंगे एंड यहाँ पर माई म्यूज़िक के ऊपर आपको आना है थर्ड ऑप्शन, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो का ऑप्शन नीचे आपको मिलेगा लिंक के बाद, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन गाइस टर्म्स को आप ओके कर लेंगे और वो वीडियो ले लेंगे जो आपने टेलीग्राम से सेव किया है। देन गाइस ये जो शायरी है या म्यूज़िक है 1/4 सेकंड का है, तो यहाँ से हम सेव कर लेते हैं और माई म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करेंगे। अगेन माई म्यूज़िक के ऊपर आपको फॉरवर्ड करना है 2 times, ओके। यहाँ पर सर्च कर लेना है, अगर लंबी लिस्ट है आपके VN में म्यूज़िक की तो सर्च कर लें कहाँ पर म्यूज़िक है हमारा, ओके। तो यहाँ पर ये ऐड हुआ है सबसे नीचे लास्ट थर्ड रो में एंड यहाँ पर राइट हैंड कॉर्नर से आपको यूज़ के ऊपर क्लिक करना है एंड नीचे राइट हैंड कॉर्नर से डन कर लेना। इस तरह से इसका जो शायरी है यहाँ पर ऐड हो जाती है या म्यूज़िक आप कह सकते हैं। अब हमें म्यूज़िक के ही बराबर अपना फ़ोटो इंक्रीज़ करना है, तो इस तरह से आपको इंक्रीज़ कर लेना है अपनी फिंगर से। बस बाकी इस वीडियो में गैस कुछ भी नहीं है, फ़ोटो ऐड करना है, यहाँ पर म्यूज़िक ऐड करना है और जो भी काम है ज़्यादातर फ़ोटो के ऊपर हमें टेक्स्ट टाइप करना है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ टेक्स्ट कैसे टाइप करना है। यहाँ फ़ोटो के ऊपर सेकंड लेयर में देखेंगे आप टैप टू ऐड सबटाइटल, जहाँ पर है टी प्लस आपका सिंबल मिलेगा, तो टी प्लस के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन गैस टेक्स्ट के ऊपर आएंगे और यहाँ से आपको क्या करना है, ऐड अ हेडिंग के नीचे आप देखेंगे ऐड अ सब हेडिंग का आपको ऑप्शन मिलता है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप अपना जो भी टेक्स्ट है वो टाइप करेंगे। सबसे पहले इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, वैसे आप इंग्लिश में टाइप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बट ये हिंदी में वायरल है सो मैं हिंदी में बताऊँगी। तो नीचे से जैसे आपको पता है यहाँ पर कीज़ को हमें चेंज करना है, जहाँ पर इंग्लिश है इसके ऊपर आपको लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ से हिंदी में कन्वर्ट कर लेना है। इसको हम हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस तरह से हमें टाइप करना है, ओके। तो गाइस मैं कर लेती हूँ फटाफट से, ये तो आप जानते हैं कैसे आपको टाइप करना है और उसके बाद देखते हैं वीडियो अपना, ओके। ओके इतना आपको टाइप कर लेना है, उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से कलर ग्रिड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ थर्ड ऑप्शन मिलता है कलर ग्रिड का, यहाँ से जो भी कलर आपको अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग पसंद आएगा वो आप सेलेक्ट करिएगा। मुझे वाइट ही पसंद है इसके ऊपर सो वाइट रखूँगी एंड यहाँ से आप देखेंगे टिक का ऑप्शन आपको मिलता है, टिक कर लेना है। अब गाइस आप क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट है इसको आपको इंक्रीज़ कर लेना है अपने फुल फ़ोटो में, तो यहाँ तक फुल फ़ोटो तक लाना है आपको इस तरह से। ये एक तरीका बता रही हूँ मैं आपको, और चाहें तो दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं वो आप बाद में समझेंगे। अब गाइस क्या करना है, जो शायरी बोली गई है वो शायरी को आपको सुनना है, यहाँ पे प्ले करना है, जहाँ तक ये लाइन है वहाँ तक आपको ये रखना है, बाकी स्प्लिट करना है बीच में से, वो मैं बताती हूँ कैसे। जैसे कि जो फर्स्ट लाइन है वो है जो बीत गई सो बात गई, ओके, तो हमें शायरी में वहाँ तक इसको स्टॉप करना है।
ओके, यहाँ पर स्टॉप करेंगे एंड ये टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको नीचे स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा, ये डिसेबल अगर आपको मिलता है तो आपको हल्का सा आगे या पीछे करना है इसको, हल्का सा, बहुत कम, और यहाँ से स्प्लिट कर लेना है। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट टेक्स्ट है, यहाँ से स्प्लिट कर लेंगे एंड जहाँ पर सेकेंड नंबर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे सेकेंड वाले पे एंड एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट कर लेंगे। यहाँ से इसको रिमूव करके सेकेंड टेक्स्ट आपको टाइप कर लेना है, इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो यहीं पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप चाहें तो टेक्स्ट को टाइप करके एक टेक्स्ट लें और वहाँ से दूसरा टेक्स्ट स्टार्ट कर दें टी प्लस पे जाके, या फिर ऐसे टुकड़ों में काट कर आप रिमूव करके ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट टेक्स्ट हमें टाइप करना है जीवन में एक सितारा था। ओके, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे। ओके, ये हमें टाइप कर लेना है, ऊपर से डन कर लेना है। डन करेंगे, अब फिर से हमें प्ले करना है, सुनना है कहाँ तक ये लाइन है। ओके, यहाँ तक है, फिर से हम क्लिक करेंगे, यहाँ स्प्लिट करेंगे और यहाँ से फिर से इस पर क्लिक करके थर्ड वाले पे एडिट करना है, मानो बेहद प्यारा था। ये टाइप किया, फिर डन किया, अगेन इसको प्ले करेंगे। अब अगेन इस पर क्लिक करेंगे फोर्थ वाले पे एंड एडिट पे जाएंगे। अब इसको हमें पूरा एक साथ टाइप करना है, जीवन में एक सितारा था मानो बेहद प्यारा था, इसको हमें दोबारा से टाइप करना है, एक साथ करना है। यहाँ पर आप हर्ट्स ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको टाइप करना है, ओके, इसको फिर से यहाँ से डन कर लेंगे। ओके, और आगे का टेक्स्ट हम सुनेंगे और आगे प्ले करेंगे। यहाँ से स्प्लिट किया, ओके, आगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे। हम यहाँ पे टाइप करेंगे, वो टूट गया सो टूट गया। ओके, ओके, ये आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद आपको जो ब्रेकिंग हार्ट है उसको टाइप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। जो भी वायरल ट्रेंड में है वो मैं आपको बता रही हूँ, और इमोजीज टाइप करनी है तो वो कर सकते हैं एंड डन कर लें। ये हमारा लास्ट टेक्स्ट है और आप देखेंगे इस तरह से हमारे टेक्स्ट फाइव पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप म्यूज़िक प्ले करेंगे, आप समझ जाएंगे कौन सा टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट करना है। आपको सुनकर जो भी शायरी है उसको सुनने के अकॉर्डिंग ही आप स्प्लिट करेंगे। वैसे अगर आप ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग टेक्स्ट रखना चाहें तो ड्यूरेशन भी आप नोट कर सकते हैं कि आपको क्या ड्यूरेशन रखनी है टेक्स्ट की। यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर कहाँ से स्टार्ट होता है, अभी हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है तो 00 बता रहा है सेकंड। अब आप देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट यहाँ तक है तो फर्स्ट टेक्स्ट है हमारा 3.5 सेकंड तक, ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड कॉर्नर में। इसके बाद सेकंड टेक्स्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है 3.14 सेकंड से, आप समझ सकते हैं, और ये आएगा हमारे 3.14 सेकंड से लेकर 5.23 सेकंड तक। ओके, थर्ड टेक्स्ट हमारा यहाँ से 23 से स्टार्ट होगा, 23-24 समझ सकते हैं, और ये होगा 8.50 तक। ओके, ये आप देख सकते हैं, ड्यूरेशन नोट कर सकते हैं। इसके बाद 8.50 से या 51 से स्टार्ट होगा, वहीं से स्टार्ट होगा एंड ख़त्म होगा ये 12.49 सेकंड पर। ओके, और जो हमारा लास्ट आएगा ये आएगा यहाँ से लेकर एंड तक, जहाँ तक कि हमारा शायरी है वहाँ तक ऑफकोर्स। तो इस तरह से बस वीडियो में कुछ भी नहीं है, बस टेक्स्ट का खेल है, बाकी हमारा फ़ोटो ऐड करना है सिंपल, और कुछ भी नहीं है। सारा आपको टेक्स्ट टाइप करने में जो भी टाइम लगेगा वो आपको समझना है बस। अब मैं वीडियो आपको एक बार प्ले करके दिखाती हूँ हमारा वीडियो कैसा बना है। ओके, जो गिर गई सो भाग गई, जीवन में एक सितारा था, जीवन में एक सितारा था, वो टूट गया सो टूट गया।
ओके तो यही हमारा जो वायरल वीडियो है। टेक्स्ट के एंड में अगर आप कुछ इमोजेस यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, तो ये आपको करना है। आप गाइस इस वीडियो को सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए ऊपर टॉप राइट कॉर्नर से फॉरवर्ड आपको कर लेना है, नीचे राइट हैंड कॉर्नर से डन कर लेना है। इस तरह से गाइस ये वीडियो इजीली आप किसी भी एप्लीकेशन की मदद से बना सकते हैं। और वीएन में अगर आप बनाएंगे तो अच्छी बात यह है कि वाटरमार्क नहीं आता है इसका, तो वीएन से बनाएंगे तो बेहतर है। और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हैं इसी तरह की ट्रेंडिंग वायरल साउंड्स पर आपको ट्यूटोरियल्स मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।